दोस्तों सफलता करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। कुछ हम GSC इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज लोगों आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इनमें से पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन आपका एक्स किरणों की खोज किसने की, WK रॉन्डजेन का नाम सुनूंगा, किसने, रॉन्डजेन ने। नेक्स्ट ऑप्शन आपका पोलियो के टीके की खोज किसने की, जॉन्स शाल्क ने। नेक्स्ट आपका पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। लेकिन इसमें क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। लास्ट ऑप्शन आपका है विटामिन की खोज किसने की, फंग ने। अब इसको चुनना, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपसे एक्स किरणों की खोज के बारे में आपको मालूम कि रॉन्डजेन की बात करना चाह रहा है, पोलियो की टीके की खोज की बात करें जॉन शाल्क, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर कनिंघम। तो यहाँ आपका ये जो है आपका गलत आंसर क्या होगा, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर कनिंघम ना होकर के आपको मालूम जैसे क्या हो जाएंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यदि हम बात करें अलेक्जेंडर कनिंघम की, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जी के बारे में कौन सा रिलेशन क्या है इसके बारे में आप जानते हैं। यदि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, ये पुरातत्व के जनक कहलाए। क्या कहलाए, पुरातत्व के जनक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, अर्थात पहला ऑप्शन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कर्नाटक। नेक्स्ट है सरिस्का टाइगर रिजर्व आश्रम। नेक्स्ट आपका पेरियार गेम अभ्यारण केरल, और नेक्स्ट आपका सिमलीपाल उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, इन चारों ऑप्शन जब से आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप ये नहीं चुन पाएंगे इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल राइट आंसर है कि ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कर्नाटक। पेरियार कहाँ अभ्यारण्य स्थित है, केरल। ये सेकंड ऑप्शन जिसे गलत हो गया, तिब्बत नहीं यहाँ होना चाहिए, पेरियार राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, केरल। और क्या विशेषता, यहाँ जंगली हाथियाँ पाई जाती, क्या पाई जाती हैं, जंगली हाथियाँ, अर्थात जंगली हाथियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, पेरियार गेम अभ्यारण्य जो कि कहाँ स्थित है, केरल। और सिमलीपाल कहाँ स्थित है आपका, ओडिशा। मोस्ट बड़े क्वेश्चन अगर राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करेंगे, लेकिन सरिस्का ये असम ना होकर के, जब हम सरिस्का की बात कर रहे हैं आप लोगों से, ये सरिस्का जो है असम ना होकर के ये क्या हो जाएगा, सरिस्का राजस्थान। कहाँ स्थित सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में, कहाँ स्थित है, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से या निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन आपका नर्मदा अमरकंटक, अर्थात नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, अमरकंटक से। ये तो आपका राइट आंसर होगा कि पश्चिमी वाहिनी नदियों में हम इंपॉर्टेंट नदी ये भी पढ़ते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, अमरकंटक। अगला कह रहा है गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ, गंगोत्री। नेक्स्ट है यमुना का उद्गम कह रहा तिब्बत। अगला नेक्स्ट भी देख लेते हैं, गलती कहाँ हो रही है, गोदावरी कह रहा त्र्यंबकेश्वर। अब आप लोग इसमें फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, अर्थात इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि गलत है, अर्थात नदियों के नाम दिए गए इसके साथ साथ में इसका उद्गम लिखा हुआ। चलिए पहले ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम आपको मालूम चाहिए कहाँ से, अमरकंटक पठार से। अमरकंटक ये पठार कहाँ पड़ेगा आपका, मध्य प्रदेश में, अर्थात MP में। नेक्स्ट की बात करेंगे, अब नर्मदा आपको मालूम है कि ये रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी नदियाँ, नर्मदा। किससे होकर बहती है, जो है रिफ्ट वैली से, अर्थात भ्रंश घाटी से, अर्थात भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है। लेकिन जब हम गंगा के उद्गम की बात करेंगे, मोस्ट बड़े क्वेश्चन है इस समय, अगर पवित्र नदियों की बात करेंगे, किसकी बात होती, गंगा की। वो गंगा का जो उद्गम कहाँ से हुआ, गंगा से गंगोत्री, अर्थात गंगा का उद्गम किस ग्लेशियर से हुआ, गंगोत्री ग्लेशियर। और दृश्यमान कहाँ से हो रही है, गोमुख से, और ये कहाँ पड़ेगा आपका, उत्तराखंड। नेक्स्ट यदि हम बात करें यमुना, इसी के ठीक नीचे दिया हुआ, तो लिख करके पूछेगा निम्नलिखित में से यमुना किसकी सहायक नदी है, तो यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की। किसकी सहायक नदी है, गंगा की। फिर इसमें कह रहा कि यमुना का उद्गम कहाँ से हुआ, जैसे गंगा इक्वल टू गंगोत्री ग्लेशियर, ऐसे यमुना इक्वल टू क्या हो जाएगा, यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या हो जाएगा, यमुनोत्री ग्लेशियर, अर्थात यमुनोत्री हिमनद से, बंदरपूंछ श्रेणी से। किससे, बंदरपुर श्रेणी से। दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, गंगा यमुना दोनों नदियों का उद्गम हो रहा मात्र एक स्टेट से, कहाँ रहे, एक स्टेट से। अगला लास्ट में कह रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, गोदावरी नदी का उद्गम आपको मालूम है कि त्र्यंबकेश्वर से, कहाँ से, नासिक, यानी जो है महाराष्ट्र के जिले नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। किस नदी का उद्गम, गोदावरी। यही सेम क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2018 में सेम क्वेश्चन ये आया हुआ है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ हुआ,
गोदावरी का नदी का उद्गम आपको मालूम है कि महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से। अब आपको नदियों के बारे में जानना बहुत सारी क्वेश्चन जरूरी कि नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, इसकी सहायक नदियाँ क्या है, विशेषता क्या। तो हम जब नदी का इंडिविजुअल आप लोगों के लिए इंडिविजुअल टॉपिक लाएंगे कि नदियाँ कौन कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मान लीजिए ब्रह्मपुत्र वगैरह की चर्चा करेंगे या सतलज वगैरह के जो भी इंपॉर्टेंट नदियाँ उन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे, शायद में इसके सोर्सेज की बात करेंगे, इसकी विशेषता क्या है उसके बारे में डिटेल चर्चा रहेगी हम लोगों की। लेकिन अभी इसे थोड़ा बहुत जानना जरूरी कि नर्मदा वगैरह क्या, गंगा क्या, इसके बारे में बहुत जानना जरूरी है। हाँ, इनके से क्वेश्चन हम ऋग्वैदिक कालीन में पढ़ते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन सबसे पवित्र नदी कौन थी, तो आपको मालूम उस समय सबसे पवित्र नदी किसको माना गया, सरस्वती को, किसको, सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ज्यादातर आपको क्वेश्चन बार बार ये देखने को मिले इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन से सर्वाधिक लिंगानुपात, ये जनगणना का क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है, केरल, आपका राइट आंसर है। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, हरियाणा। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है, केरल, और न्यूनतम साक्षरता कहाँ है, उत्तर प्रदेश। ये साफ साफ आपका आंसर क्या होगा, डी आंसर आपका गलत है, अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर डी क्या है, गलत है। सबसे पहले चर्चा करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात पर। सर्वाधिक लिंगानुपात किस स्टेट का है, केरल, आपको ये मालूम होना चाहिए, नियर अबाउट 1000 प्लस अर्थात 1084, यानी लिंगानुपात का अर्थ होता है कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या को दर्शाते हैं हम कहते हैं लिंगानुपात, सेक्स रेशियो कहते हैं। न्यूनतम की जब बात करते हैं तो न्यूनतम लिंगानुपात की बात करेंगे तो हरियाणा, और आपको ये भी मालूम है कि कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको न्यूनतम वन भी कहाँ लगे हुए हैं, हरियाणा, और अधिकतम वनों की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश। वैसे न्यूनतम लिंगानुपात की बात करेंगे क्या हो जाएगा, हरियाणा। अगला, सर्वाधिक साक्षरता की अगर बात करेंगे, भारत के किस स्टेट में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है, केरल, अर्थात सर्वाधिक बेरोजगारी भी कहाँ पाई जा रही है, केरल। नेक्स्ट आपका कि न्यूनतम साक्षरता, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि न्यूनतम साक्षरता किस स्टेट में देखने को मिल रहा है, तो न्यूनतम साक्षरता उत्तर प्रदेश नागरिकता से है पड़ोसी, आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है, बिहार, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा, बिहार। लेकिन यही बिहार से एक क्वेश्चन को रिलेट करके पूछेगा जनगणना में ही कि सर्वाधिक डेंसिटी वाला राज्य अर्थात सर्वाधिक जनगणना वाला राज्य कौन सा है, बिहार, कौन सा है, बिहार। और आपको मालूम ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको मालूम है कि पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध वगैरह तमाम सारी चीज़ें ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके बिहार से, मगध राज वगैरह तमाम विषय उत्कर्ष के बारे में हम पढ़ेंगे। जब इंडिविजुअल किसी दिन हम बिहार स्टेट की चर्चा करेंगे जितने भी संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उनसे बिहार से हम चर्चा कर लेंगे। चलिए जनगणना में एक मोस्ट बड़े क्वेश्चन है कि किस वर्ष को लिख करके पूछेगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष को जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना कि 1921, किसको, 1921। लेकिन इनके अगर स्टार्टिंग से कह दें कि सर्वप्रथम पॉपुलेशन की स्टार्टिंग कब हुई, तो आपको मालूम रहे कि सर्वप्रथम जनगणना की स्टार्टिंग 1872। लेकिन ये अनियमित जनगणना थी, तो ये किसके शासनकाल में हुई, तो आपने नाम सुना होगा लॉर्ड मेयो, किसका नाम सुनेंगे, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो के समय 1872 में इसकी स्टार्टिंग, बट ये अनियमित थी। अगर आप इनके से लिख करके पूछे नियमित जनगणना की स्टार्टिंग कब हुई, तो नियमित जनगणना की स्टार्टिंग आपको मालूम है कि 1881, उस समय लॉर्ड कौन थे, तो आपने सुना होगा कि लॉर्ड रिपन, कौन थे, लॉर्ड रिपन। अब लिख करके पूछे जनगणना से संबंधित क्वेश्चन जो है कि वर्ल्ड में भारत कितने परसेंट जनसंख्या अकेले कवर कर रहा है, तो आपको मालूम है कि 17.5%। यदि इंडिया अगर इतना कवर कर रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड में इंडिया अगर 17.5% अगर कवर कर रहा है, तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इंडिया में यूपी कितना कवर कर रहा है, अर्थात कितने परसेंट जनसंख्या अकेले कवर कर रहा है, आपको मालूम होना चाहिए 16.4%। सब क्वेश्चन को कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लगातार बैक टू बैक आपको मालूम है। और अगर पूछा जाए कि जनसंख्या के मामले में टॉप पर कौन सा देश है, चाइना, सेकंड स्थान है किसका, इंडिया। हमारे पास जनसंख्या से बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट हैं, जब हम जनसंख्या का टॉपिक, जनगणना का टॉपिक लेके आएंगे, इंडिविजुअल्स पर विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन और बता दें आप लोगों को, लेकर के पूछेगा कि वर्तमान में लिंगानुपात, तो लिंगानुपात की बात करेंगे तो आपको मालूम है इंडिया का लिंगानुपात कितना है, 943:1000। इनकेस कहीं कहीं 940 भी मिलेगा, तो आपको 940 ही चुन लेना अगर 943 नहीं है। यदि 943 है, अगर दोनों हैं, इसमें 943 बेस्ट फोर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट जनगणना के लिए आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास अभी, किसी दिन अगर नेक्स्ट टॉपिक हम इंडिविजुअल अगर जनगणना के लिए कहेंगे उस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं, बार बार आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यही रिपीट हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं। आपको 80% परेशान होने की जरूरत है, आपको ये ध्यान देना है कि इसी माध्यम से यानी एक क्वेश्चन के जरिए आपको मालूम है 3 से 4 क्वेश्चन आपके कोरिलेट हो रहे हैं। गोल क्रांति का संबंध किससे है,
अर्थात लिख करके पूछेगा कि गोल क्रांति का संबंध किससे, तो आपको यह मालूम है कि गोल क्रांति का संबंध किससे, आलू। तो आपको अच्छी तरीके मालूम आलू कैसे होता है, गोल होता है, क्या होता है, गोल। लिख करके पूछेगा कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ स्थित है, ये शिमला, कहाँ स्थित है, शिमला, ये तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहीं से और पूछेगा कि कुफरी, ये कुफरी प्रजाति किसकी है, तो कुफरी प्रजाति किसकी है, आलू की। ऐसे रिलेट करके आपने पढ़ा कि गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू से। ये सुपर टेट जो है, सुपर टेट सॉरी, इसकी बात करेंगे समीक्षा अधिकारी के 2018 वाले क्वेश्चन में, यही सेम आया हुआ है कि जो है गोल क्रांति का संबंध किससे, आलू से। नेक्स्ट नीली क्रांति की बात करके हम करें तो नीली क्रांति का संबंध किससे, मत्स्य पालन से। और पीली क्रांति की अगर हम बात करें तो आपको मालूम किससे, तिलहन से। लेकिन अगर हम पीली क्रांति की बात करें, आपने चुन लिया तिलहन, इन केस मान लीजिए तिलहन है तो यानी जितनी भी तिलहनी फसलें होती आलू पर यही आती हैं। कहीं अगर आपको सरसों अगर मिल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि पीले पीले फूल हो नजर आ रहे हो आपको, लगे पीला नहीं पीली क्रांति, ये चीज़ नहीं होनी। यदि इनकेस अगर तिलहन दिया तो बेस्ट आप पर क्या होगा आपका, तिलहन है। तिलहन नहीं है तब हम सरसों की बात करेंगे, अगर रेपसीड फसलों की बात करेंगे, और इसके मामले में आपको मालूम है कि टॉप पर कौन सा स्टेट रहता है आपका, राजस्थान, कौन सा रहता है, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लास्ट ऑप्शन आपका गुलाबी क्रांति, क्या है, गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति का संबंध टमाटर से नहीं है, ये टमाटर और मांस की बात करेंगे तो आपने पढ़ा होगा लाल क्रांति, अर्थात रेड रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो किससे, टमाटर और मांस से। इसका मतलब कि जो है आपका रॉन्ग आंसर कौन होगा, गुलाबी क्रांति। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मालूम ऑप्शन को कौन सा सही, आपका डी। लेकिन इसमें दिया हुआ कि गुलाबी क्रांति, ये भी समझ लेते हैं कि गुलाबी क्रांति का रिलेशन किससे है, तो आप लोगों ने सुना होगा झींगा मछली, झींगा मछली का रिलेशन किससे है, या गुलाबी क्रांति के संबंध किससे, झींगा मछली से। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं, बार बार यही चर्चा हो रही कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, आपने चंद्रशेखर अच्छी आजाद पक्षी विहार के अगर बारे में सुना होगा तो इसको पूछो ये कहाँ सिचुएटेड है, अर्थात ये जो पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है, उन्नाव में। अर्थात इसका पूर्व में नाम आपने सुना होगा कि नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है आपका, उन्नाव में। ये मतलब है कि नवाबगंज का मतलब कि गोंडा, आपको याद हो कि नवाबगंज आपने बार बार सुना कि नवाबगंज गोंडा की बात हो रही है, यहाँ आपका ये गलत हो जाएगा। नवाबगंज गोंडा ना होकर के इसी नवाबगंज पक्षी विहार का नाम चेंज करके चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार का नाम पड़ा, जो कि कहाँ स्थित है, उन्नाव में। नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। पार्वती अरंगा पक्षी विहार, आपने सुना होगा जयप्रकाश नगर गोंडा, ये राइट आंसर है आपका जयप्रकाश नगर गोंडा। बट ये जयप्रकाश नगर कोई ज़रूरी नहीं कि गोंडा ही लिख करके पूछे, कभी कभार क्या पूछेगा जयप्रकाश नगर, इन दोनों को एक दूसरे से रिलेशन रखता है, इसको चेंज कर देगा, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार लिख देगा गोंडा, और पार्वती रंगा पक्षी विहार के लिख देगा उन्नाव। आपको मालूम है कि पर्वता जो है पार्वती रंगा पक्षी विहार कहाँ है, जयप्रकाश नगर गोंडा। तो हो सकता है इनके इस गोंडा ने लिख करके पूछेगा क्या, जयप्रकाश नगर। अगला सोहगी बरवा, सोहगी बरवा पक्षी विहार की लगातार करंट में कई काफ़ी दिनों से लगातार चर्चा में ये बना हुआ है, इसको जिम कॉर्बेट की तर्ज पर जो है विकसित किया जा रहा, तो आपको ये जानना चाहिए कि सोहगी बरवा पक्षी विहार कहाँ स्थित है, महाराजगंज में। लास्ट में सुराहा ताल पक्षी विहार संत कबीर नगर, सुराहा ताल पक्षी विहार आपका संत कबीर ना होकर के आपको मालूम होना चाहिए कि ये पक्षी विहार कहाँ है, बलिया, कहाँ है, बलिया, अर्थात सुराहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है, बलिया में स्थित है। अभी लोअर पीसीएस के 2019 में एक क्वेश्चन लिख करके पूछा कि बलिया का शेर किसे कहते हैं, बलिया का शेर किसे कहते हैं, तो आपने सुना होगा चित्तू पांडे जी के बारे में, किसके, चित्तू पांडे जी के बारे में। हम लोग पैरल गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं, समानांतर सरकारों की बात करते हैं, तो बलिया के बारे में पढ़ते हैं। साथ साथ में बलिया के एक मोस्ट बड़े क्वेश्चन पूछता है कि लखनऊ का पूर्वी छोर क्या है, लखनऊ का पूर्वी छोर क्या है, तो आपको मालूम है राइट आंसर क्या होगा आपका, बलिया, क्या होगा, बलिया। पीसीएस वगैरह हुआ, लोअर हुआ, समीक्षा अधिकारी से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। तो पक्षी विहार से कोई रिलेट करके अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, इस तरीके से पूछेगा, तो थोड़ा सा मेंटेन अगर नहीं रहेंगे तो करना मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, अर्थात इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित या कौन सा कपल सुमेलित नहीं है। ये मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन, अगर राइट आंसर तो कमेंट करके जरूर बताइए कि मैकमोहन रेखा का जो रिलेशन किससे किसके मध्य, भारत और चीन के मध्य। रेड क्लिप की बात करेंगे, भारत पाकिस्तान। नेक्स्ट अगर डूरंड रेखा की बात करते हैं तो भारत अफगानिस्तान।
बट इसमें से कह रहा कि कौन सा युग्मक सही सुमेलित नहीं है, अर्थात चार के चारों जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कोरिलेट कर पाएंगे इनमें से कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है। लास्ट की बात करते पाक जल डमरू मत, ये भारत और पाक, भारत पाक ना होकर के क्या हो जाएगी, ये भारत श्रीलंका, अर्थात आपको मालूम होना चाहिए कि ये भारत और श्रीलंका के मध्य क्या होता है, श्रीलंका के मध्य। इससे संबंधित आपने इसके बारे में पढ़ा होगा आदम सेतु वगैरह के बारे में कि आदम सेतु क्या होता है या एडम्स ब्रिज किससे किसको जोड़ रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि धनुषकोडी से तिलैया मन्नार, अर्थात ये धनुषकोडी के बारे में आपने सुना होगा रामेश्वरम द्वीप के आसपास, और यहाँ से तिलैया मन्नार अर्थात कहाँ की बात करेंगे हम, श्रीलंका की बात करेंगे, कहाँ की बात करेंगे, श्रीलंका, ये जोड़ने का कार्य करता। आगे चल करके हम इस मैटर पे विशेष चर्चा करेंगे आगे चल करके कि ये जो है चैनल्स वगैरह क्या होते हैं, 10 डिग्री चैनल्स वाला कैसे क्या सिस्टम, 2.5 डिग्री चैनल्स क्या है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर वही पुनः मिल रहा है आपको क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेबल है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेबल है, प्लास्टिक, पॉलीथीन, पीवीसी या कागज। अब आपको सबसे पहले चीज़ जानना तो ये जरूरी कि बायोडिग्रेबल क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेबल क्या होता है, तो आप ये लोग फटाफट कमेंट करके ये बताएं कि बायोडिग्रेबल की डिफिनेशन क्या होती है या बायोडिग्रेबल हम किन्हें कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, ये अंग्रेजी वर्डिंग्स को देवनागरी लिपि में लिख करके रखा हुआ है। तो बायोडिग्रेबल अर्थात मतलब क्या हो जाएगा कि जैवनिम्नीकरण, आपने पढ़ा होगा जैवनिम्नीकरण, इसका मतलब ये अर्थात बायोडिग्रेबल को कहते हैं हिंदी में क्या कहेंगे, जैवनिम्नीकरण। और अगला हो जाएगा कि नॉन बायोडिग्रेबल क्या होता है, अगला आपका हो जाएगा नॉन बायोडिग्रेबल, अगला जो आपका है नॉन बायोडिग्रेबल हो जाएगा। तो यह जानना जरूरी है कि बायोडिग्रेबल क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेबल, बायोडिग्रेबल का अर्थ ये होता है कि ऐसे पदार्थ जिनका आसानी से डिकम्पोजिशन सूक्ष्म गतिविधियों के माध्यम से संभव होने क्या कहेंगे, बायोडिग्रेबल। और नॉन इक्वल टू क्या होगा, नहीं होगा, अर्थात नहीं क्या होगा, जो टर्मिनेशन बायोडिग्रेबल उसमें क्या होगी, नॉन में नहीं होगी, अर्थात नॉन बायोडिग्रेबल का अर्थ ये होता है कि ऐसे प्रदूषक या ऐसे पदार्थ जिनका डिकम्पोजिशन आसानी से संभव ना हो, उन्हीं क्या कहेंगे हम, नॉन बायोडिग्रेबल। अब क्वेश्चन की तरफ फिर से दोबारा चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेबल है, प्लास्टिक, प्लास्टिक का आसानी से डिकम्पोजिशन होता है, नहीं होगा, पीवीसी आपको मालूम है कि आसानी से इसका डिकम्पोजिशन अपघटन नहीं होता, अर्थात सूक्ष्म गतिविधियों के माध्यम से इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता। नेक्स्ट आपका पॉलीथीन, क्या है, पॉलीथीन, इसका भी डिकम्पोजिशन संभव नहीं है। और लास्ट क्या है, कागज, आपको मालूम है कि कागज बहुत आसानी से अच्छी तरीके से सड़ जाता, गल जाता, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो जब ये लिख करके पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेबल नहीं है, बायोडिग्रेबल नहीं कर, मतलब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है नॉन बायोडिग्रेबल, कौन से बायोडिग्रेबल है, ये डिफाइन कैसे करेंगे, जब आपको ये मालूम रहेगा तभी आप डिफाइन कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा बायोडिग्रेबल होगा, बायोडिग्रेडेबल होगा और कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। ये सबसे ज़्यादा जरूरी मोस्ट वर्ड क्वेश्चन, और ये पीबीसी रिलेट करके जो है समीक्षा अधिकारी के 2018 वाले सेम पेपर में सेम क्वेश्चन ही आया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, अमरवेल, तना परजीवी। जब आप लोग पढ़ेंगे बायोटिक इंट्रैक्शन, जब आप पढ़ेंगे आगे चल करके बायोटिक इंट्रैक्शन, बायोटिक इंट्रैक्शन का अर्थ ये होता है कि जैविक अन्योन क्रिया, अर्थात संसार में सभी जीव एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर होते हैं। इसी में लिख करके वनस्पति वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, अमरबेल, अमरबेल क्या है, तना परजीवी, अर्थात इसको परजीविता की कैटेगरी में रखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सहभोजिता, असहभोजिता, परिजीविता और मेटरलिज्म, अर्थात सहजीविता। आगे चल करके किसी दिन इस टॉपिक को लेकर आएंगे तो डिटेल बताएंगे आपको, अर्थात इतने लिख करके पूछेगा कि अमर बेल है तो क्या है, तना परजीवी। चंदन, चंदन आपको मालूम है चंदन क्या है, जड़ परजीवी है, ये क्या है, जड़ परजीवी। ऑर्किड, ऑर्किड मतलब एपीफाइट, अर्थात ये अधिपार्टिव की क्रम में क्या आएगा, ऑर्किड। लेकिन घटपर्णी के पूछा हुआ कि निम्नलिखित में इससे कौन सा युग्मक सही सुमेलित नहीं है, तो घटपर्णी क्या जलोद्भिद है कि ये मानसलोद्भिद है, तो लिख करके पूछेगा कि कौन सा ऐसा पौधा है कि जो, यानी अर्थात घटपर्णी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि नेपेंथीज कहते हैं, क्या कहते हैं, नेपेंथीज। चलिए नेक्स्ट आपको इसी में नेपेंथीज की जब बात करते हैं तो घटपर्णी में क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती, क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये जो है मेढक वगैरह कीट पतंगों को अपने जो है आकर्षित करके अपने सुराही जैसी संरचना में ये ढक्कन बंद करके उनका उनको एब्जर्व कर लेते हैं और अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो लिख करके पूछेगा घटपर्णी ये कैसा पौधा है, तो आपको मालूम है कि ये जो है एक मानसून उद्भिद पौधा जो कि ज़्यादातर मेघालय वगैरह एरियाज में ये पाया था, जो कि किसका भाषण करता है, कीट हुए, चूहे हुए, मेढक आदि का ये क्या करता है, भाषण करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वायुदाब, अर्थात वायुदाब मापने का पैमाना क्या होगा? बैरोमीटर। क्या है आपका राइट आंसर होना चाहिए? वायुदाब मापने का पैमाना क्या होगा? बैरोमीटर। आप क्वेश्चन बताइए फटाफट, आप लोग ये बताइए कि यदि वायुदाब का पाठ्यांक एकाएक सडनली डाउन होगा तो किस प्रकार के मौसम होने संकेत हैं? आपको मालूम है कि जो मौसम के चांस रहेंगे ये क्या होंगे? तूफानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तूफानी, अर्थात तूफान वगैरह आने के संकेत होंगे। नेक्स्ट, अगर पाठ्यांक स्लोली मेड में ऊपर जा रहा है अर्थात ऊपर की तरफ जा रहा है तो मौसम के साफ होने के संकेत है। क्या है? मौसम के साफ होने के संकेत हैं। दूध की शुद्धता कैसे मापोगे? आपको मालूम है कि लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता कैसे मापोगे आप? लैक्टोमीटर से। राइट आंसर से। भूकंप की तीव्रता कैसे मापोगे? कैरा रिक्टर पैमाना। तो यहाँ यंत्र की बात हो रही, पैमाने की नहीं बात, अर्थात क्या होना चाहिए? सिस्मोग्राफ। क्या होगा? सिस्मोग्राफ। अर्थात ये ऑप्शन क्या आपका गलत है। और जब कहेगा कि भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या, तो क्या हो जाएगा? रिएक्टर पैमाना। आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। लेकिन जब वायु वेगी की बात करेगा, एयर वेलोसिटी की बात करेगा, तो किससे मापेंगे? एनिमोमीटर। अब आपने देखा होगा इस समय जो भी वनडे कम्पिटेटिव जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, लगातार किसी न किसी पेपर में कोई ना कोई पैमाना जरूर पूछ ला। इतने पैमाने को एक साथ कभी नहीं पूछने वाला, लेकिन जब हमारी आपकी चर्चा होगी तो कम से कम इतने क्वेश्चन पर लगातार बैक टू बैक चर्चा होगी, ताकि कोई क्वेश्चन छूटने न पाओ। आपने देखा होगा कि टेट वगैरह का पेट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है। पैमाना अगर पूछेगा रिएक्टर पैमाने, यंत्र की बात करेगा तो आपका क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। दूध वगैरह के बारे में आपको मालूम है लैक्टोज से जुड़ा हुआ, जैसे यहाँ आपने पढ़ा कि दूध की शुद्धता या दूध का घनत्व डेंसिटी मापने के लिए आपको मालूम है कि लैक्टोमीटर यूज करते हैं। दूध में पाए जाने वाले अगर हम जीवाणु की अगर बात करेंगे तो उसमें भी आपको मालूम है कि लैक्टोबैसिलस होता है। दूध में आपको मालूम है कौन सी एसिड? लैक्टिक एसिड। आपको मालूम है कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज शर्करा। तो जब हम किसी दिन दूध का टॉपिक लेके आएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे कि सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है, गाय कौन सी है, सारे क्वेश्चन जितने भी रिलेट करेंगे सारे क्वेश्चन वहीं मेंटेन कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बार बार आप ये सोच रहे हो कि इसके अलावा इनके पास और कोई क्वेश्चन नहीं है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। डाउंस, ये घास के मैदान दिए गए, घास के मैदान कहाँ स्थित है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि डाउंस, क्या आप लोगों ने कभी पढ़ा कनाडा में? डाउंस कनाडा में ना होकर के ये कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ स्थित है ये? ऑस्ट्रेलिया में। अर्थात डाउंस जो घास के मैदान, ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। बेल्ट आपका कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। स्टेपीज कहाँ कहाँ है आपका? मध्य एशिया। और प्रेरीज कहाँ आपका? उत्तर अमेरिका। और पंपास कहाँ आपका? अर्जेंटीना। मुझे लग रहा है यही सेम क्वेश्चन पीसीएस के 2018 में पूछा हुआ है कि पंपास के घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना वगैरह में आपको मालूम होगा अच्छी तरीके मांस प्रिजर्वेशन के लिए बेहतर क्या होगा? अर्जेंटीना। तो इससे संबंधित जो भी हम कनाडा वगैरह जो भी बात करें, तो यहाँ निम्नलिखित में से कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो आपका गलत क्या हो जाएगा? डाउंस, अर्थात डाउंस कनाडा ना होकर के क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर पुनः वही सोच रहे होंगे कि बार बार बस एक ही चर्चा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी अर्थात एक क्वेश्चन के जरिए कम से कम 10 से 15 क्वेश्चनों पे हम लोगों की लगातार चर्चाएं हो रही हैं। पहला ऑप्शन है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी। कहाँ स्थित है? वाराणसी, काशी जो भी कह लीजिए। अब आपको मालूम है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है कहाँ स्थित है? वाराणसी। पीसीएस वगैरह जो भी एग्जाम आप दे रहे होंगे, लोअर वगैरह देंगे, तो लगातार इसमें क्वेश्चन ये बैक टू बैक आता है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ? वाराणसी। यदि हम बात करें कि सब्जी के मामले में टॉप पे कौन सा देश है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहला स्थान है किसका? चीन का। और द्वितीय स्थान किसका है? इंडिया का। जैसे सेम जनसंख्या के मामले वैसे सेम इसमें मामले में, वैसे सेम मत्स्य वगैरह के मामले में पहला स्थान चीन का, दूसरा स्थान किसका है? भारत का। इससे संबंधित, वाराणसी से संबंधित हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, किसी दिन हम लोग जो वाराणसी वगैरह ऐसे टॉपिक को लेकर के आएंगे फिर चर्चा करें इस डिटेल। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ स्थित है? लखनऊ। लिखकर के पूछेगा जैव प्रौद्योगिकी पार्क, अर्थात बायोटेक पार्क या बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ में। या उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क लेकर के पूछेगा कहाँ स्थित है? ये लखनऊ। उत्तर प्रदेश स्पेशल का मोस्ट बड़े क्वेश्चन है कि बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है। अगला है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपको मालूम है कि भोपाल। तो ये भोपाल कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। ये भोपाल ना होकर के क्या हो जाएगा?
ये कानपुर होगा, क्या होगा, अर्थात भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कानपुर। लिख करके पूछेगा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, किसको कहते हैं, कानपुर शहर को, किसको, कानपुर। और यदि लिख करके पूछे कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को। मैनचेस्टर का अर्थ ये होता है कि इसका रिलेशन जो है किससे है, सूती वस्त्र, किससे रिलेशन इसका, सूती वस्त्र। वैसे इंडिविजुअल जब हम लोग पार्क वगैरह की चर्चा करेंगे तो बहुत सारे पार्कों की चर्चा करेंगे इंडिविजुअल, लेकिन अभी इसमें कुछ ऐसी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। अगला आपका है भारतीय दलहन अनुसंधान की बात करें तो आपको मालूम है कि भोपाल ना होकर के क्या हो जाएगा आपका, कानपुर। दलहन के मामले में प्रोडक्शन करने वाला आपको मालूम है कौन सा स्टेट है, सर्वाधिक दलहन प्रोडक्शन करने वाला कौन सा स्टेट है, एमपी। इंडिया सर्वाधिक दलहन का प्रोडक्शन भी करता है, सर्वाधिक दलहन को जो है आयात भी करता, सर्वाधिक दलहन का सेवन भी करता, अर्थात हर मामले में टॉप पर इंडिया ही मिलेगा दलहन के मामले में। अगला क्वेश्चन है इसी में, सॉरी अगला ऑप्शन है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ, एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ, एम्स्टर्डम। इससे पहले 2005 के पीसीएस के पेपर में आ चुका है, साथ साथ 2018 वाले भी पीसीएस में आया हुआ है। और इसके अलावा आपको मालूम है कि 2017 की येटेट के पेपर में सेम क्वेश्चन ये आया है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ, एम्स्टर्डम। अब एम्स्टर्डम की राजधानी किसकी है, एम्स्टर्डम जो है ये राजधानी आपको मालूम होना चाहिए कि एम्स्टर्डम राजधानी किसकी है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि एम्स्टर्डम राजधानी किसकी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप ये राजधानी जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर और बहुत सारे क्वेश्चन पे हमारी डिटेल चर्चा होगी। नेक्स्ट धीरे धीरे ऐसे ही करके हम आप धीरे धीरे इंडिविजुअल मेन मेन टॉपिक लेके आएंगे, किसी टॉपिक पर इंडिविजुअल एक वीडियो रहेगा आपका। जैसे मान लीजिए दूध की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो उस पर उसकी ही डिटेल चर्चा रहेगी। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये थोड़े से क्वेश्चन अगर आपको लग रहे होंगे कि आपके जो है भविष्य के लिए अगर बेहतर है तो ज़रूर आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, नहीं पसंद आएगा तो मत करिएगा, लेकिन अगर अपने हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि कुछ इससे बेनिफिट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर मिल रहे हैं तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, शुभरात्रि, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।